हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिंगराज टेक्नो चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर हम निमी फीटर थ्योरी की बुक को रोज़ाना चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। दोस्तों, हमारी जो बुक होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी और मैं आपको जो है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम बहुत सारे बुक्स को यूज करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आंसर की मिलाते हैं तो वो डिफरेंट होता है, पर वो जो एग्ज़ाम में जो भी आंसर की मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, निम्मी के बुक में जो होता है, जो आंसर दिया होता है उसी से वो लोग मिला करके देते हैं। तो क्यों ना हम निम्मी फ्यूटर की ही बुक को पढ़ें। तो दोस्तों, मैं इसी को देख करके मैं आप लोगों के लिए ये सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज ये मेरा पहला वीडियो है आप लोगों के लिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ही होगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो होगा ये ITI और CITS ट्रेड फिटर दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये जो है बुक हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और मैं इसे आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो फिटर बुक है NSQ लेवल 5, ये यही चल रहा है अभी निम्मी के द्वारा, और ये हमारा बुक क्या है, ट्रेड थ्योरी। दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि जो फिटर ट्रेड है ये प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के अंतर्गत आता है। हमने निम्मी की बात की दोस्तों, तो निम्मी जो है एक ऐसी संस्था है जो ITI और CITS या अप्रेंटिस, इन तीनों के जो कोर्सेज चलते हैं उसके लिए स्टडी मटेरियल्स तैयार करता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है, और इन्हीं में स्टडी मटेरियल के द्वारा जो है इंस्टीट्यूट में, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है जो कि एथेंटिक होती है। यही सर्वमान्य होता है जो निम्मी के बुक में दिया होता है, जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ें किसी बारे में लिखी गई होती हैं वो सब निम्मी के ही बुक को एथेंटिक माना जाता है। निम्मी के बुक में जो रहेगा वो एथेंटिक है, तो हम क्यों ना उसी को पढ़ें। तो निम्मी क्या होता है दोस्तों, निम्मी जो है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, चेन्नई में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, निम्मी का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ बुक्स के बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं। हम अपने चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है टाइटल ऑफ लेसन है जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट सेफ्टी है, और उसमें जो टॉपिक है हमारा सेफ्टी, फैमिलियर विद वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाय इंक्लूडिंग स्टोर प्रोसेस, ये सब चैप्टर हैं। ये सेकेंड मॉड्यूल है बेसिक फिटिंग, उसके अंतर्गत आने वाले चैप्टर हैं। ये फोर्थ मॉड्यूल, थ्री मॉड्यूल है सीट मेटल, उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल वेल्डिंग। तो इस बुक में चार मॉड्यूल हैं और इन्हीं टॉपिक्स को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, सिलेबस आ गया है और आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा चैप्टर कहाँ से आता है। ये देखिए, हमारा पहला चैप्टर आ गया, फर्स्ट मॉड्यूल फिटर सेफ्टी के अंतर्गत, फैमिलियर विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये जो ITI का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो फैमिलियर विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI के बारे में परिचय। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। दोस्तों, ये चैप्टर हम लोग पढ़ लेने के बाद या इस चैप्टर में हमको क्या सीखने को मिलेगा, क्या समझने को मिलेगा वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन अबाउट DGT एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन अंडर MSDE। हमें यहाँ पे DGT से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट हैं
उसके बारे में जानकारी मिलेगी जो कि MSDE के अंतर्गत आते हैं। फैमिलियर विद वर्किंग ऑफ ITI यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ ITI, हमें ITI कैसे वर्क करता है उसके बारे में पता चलेगा ITI चार्ट के बेस पर। स्टेट द फंक्शन ऑफ स्टोर प्रोसीजर इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और हमें ITI के जो एक उसमें ITI में स्टोर होता है उसका वो कैसे वर्क करता है ITI कॉलेज में उसके बारे में पता पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT, DGT का फुल पूरा नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डॉक्टर इसका पूरा नाम DGT। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। CITS स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये DGT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। देखते हैं DGT क्या होता है। देखिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग इन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग वुमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयबल यूथ इन द कंट्री एंड टू प्रोवाइड स्किल मैन पावर टू द इकोनॉमी। दोस्तों DGT क्या है? DGT मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। DGT जो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक उच्च संस्था है जो वोकेशनल ट्रेनिंग को डेवलप करता है और उसे संचालित करता है, जिसमें महिलाओं के लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध है, जो देश की युवाओं को रोजगार परक और देश की अर्थव्यवस्था के लिए स्किल मैन पावर को उपलब्ध कराता है। आगे देखते हैं दोस्तों, टू वर्टिकल ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, दो भाग होते हैं दोस्तों डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के, जो कि वर्किंग अंडर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड डिप्टी डायरेक्टर जनरल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये दो भाग हैं जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। एंड अलॉन्ग विद देयर सपोर्ट सिस्टम वे आर ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि ये दोनों संस्थान MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अंतर्गत आते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, DGT affiliated institute offer a wide range of training courses। DGT से संबंधित जो भी institute हैं वो बहुत बड़े criteria में courses उपलब्ध कराते हैं, catering to the need of different segment in the labor market। लेबर मार्केट के डिमांड के अनुसार बहुत सारे courses DGT से संबंधित institutes courses को उपलब्ध कराता है। कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर स्कूल लीवर्स, कोर्सेज किन किन लोगों के लिए उपलब्ध है? स्कूल लीवर स्कूल जो पास कर चुके हैं ITI पास आउट, जो इन्होंने ITI पास कर रखा है, ITI इंस्ट्रक्टर, ITI अनुदेशक के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर जो कंपनी में वर्क करते हैं काम करते हैं उनके लिए, टेक्नीशियंस हैं उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जूनियर एंड मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव जो जूनियर और मिडिल लेवल के अधिकारी होते हैं उनके लिए भी कोर्सेज DGT के द्वारा अवेलेबल हैं, सुपरवाइज़र फोरमैन इनके लिए भी अवेलेबल हैं, वुमेन महिलाओं के लिए, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन जो फिजिकली रूप से चैलेंज पर्सन है उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड ST जो कैंडिडेट SC ST के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी कोर्सेज DGT उपलब्ध कराती है।
इट ऑल्सो कंडक्ट ट्रेनिंग ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलप इंस्ट्रक्शनल मीडिया पैकेज फॉर द यूज़ ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनीज एंड इंस्ट्रक्टर। दोस्तों DGT क्या करती है कि वह कोर्स जो कोर्सेज वो कंडक्ट कराते कोर्सेज उसके लिए रिसर्च और रिसर्च एंड डेवलप्स इंस्ट्रक्शनल मीडिया। वो क्या करती है DGT जो भी कोर्सेज चलाती है ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर के लिए उनको डीजीटी इट्स आल्सो कंडक्ट ट्रेनिंग ओरिएंटेड रिसर्च। ट्रेनिंग से संबंधित रिसर्च कराती है एंड डेवलप इंस्ट्रक्शनल मीडिया और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स और मीडिया पैकेज भी डेवलप कराती है ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर्स के लिए। DGT एक्ट एज सेक्रेटरियल एंड इम्प्लीमेंट आर्म ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। DGT जो है NCVT के हेड की तरह कार्य करता है। दोस्तों NCVT आपने बहुत नाम सुना होगा पर उसका फुल फॉर्म आपने आपने देखा होगा तो उसको एक बार फिर से देख लीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग दोस्तों NCVT का पूरा नाम क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा SCVT, तो SCVT का क्या नाम होता है, SCVT। तो SCVT का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और NCVT का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो SCVT का स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और NCVT का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो DGT जो है NCVT के हेड की तरह कार्य करता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर DGT। DGT के अंतर्गत कितने कौन कौन से और कितने इंस्टीट्यूट आते हैं वो हम देखते हैं। 13,350 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 13,350 ITI कॉलेज DGT के अंतर्गत हैं, 31 सेंट्रल इंस्टीट्यूट, 31 सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, 10 एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 ATI EPS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से रिलेटेड हैं, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। 2 फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 1 सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1 सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 1 नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1 नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फॉर वुमेन जो कि महिलाओं के लिए है केवल, 5 रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, 15 रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो केवल महिलाओं के लिए हैं, यहाँ पे महिलाओं के लिए केवल कोर्सेज कराए जाते हैं, 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनर्स, 15 प्राइवेट ट्रेनर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 2 स्टेट गवर्नमेंट ITOT जिनमें से दो स्टेट के ITOTs हैं जिनमें CTI का कोर्स कराए जाते हैं, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1 सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और क्या है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट NIMI। दोस्तों ये क्या करता है कि जितने भी कोर्सेज चलाए जाते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल्स और स्टडी मीडिया पैकेज भी उपलब्ध कराता है, कौन, NIMI, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो ITI है वो कौन चलाता है, उसका हेड कौन है, कैसे काम करता है। तो इसमें से हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों क्या ज़रूरी है, पहला DGT का फुल फॉर्म, आपको DGT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों, तो डॉक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ये। दूसरा हमें MSDE का MS ये MS MSDE
एम एस डी ई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एम एस डी ई का, एम एस डी ई, एम एस डी ई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों इंटरप्रेन्योरशिप का आप क्या समझते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ये है, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के दम पे कोई बिजनेस खड़ा करे या कोई उद्योग धंधा लगाए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेन्योर, और इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमें पता होना चाहिए, एम एस डी का फुल फॉर्म, डी जी टी का फुल फॉर्म और डी जी ई एन टी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दोस्तों ये देखिए, इसका पूरा नाम पता होना चाहिए डी जी ई टी का, जिसका नाम है पूरा डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। और दोस्तों हमें पता होना चाहिए एन सी बी टी का पूरा नाम क्या होता है, NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये पूरा नाम NCVT का पता होना चाहिए, जो कि किसी किसी एग्ज़ाम में आ जाता है, जो कि CTI जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं उनके एग्ज़ाम में फ्यूचर थ्योरी के आ जाता है, और POT के एग्ज़ाम में भी आ जाता है। और एक होता है दोस्तों SCVT भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। SCVT का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो इस चैप्टर से दोस्तों हमें इतनी चीज़ें सीख एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी ये चैप्टर आगे, फैमिलियर विथ द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिस्टम इंक्लूडिंग स्टोर प्रोसीजर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI कैसे काम करता है, उसके बारे में जानकारी, और उसमें उससे संबंधित जो स्टोर ITI में होते हैं वो कैसे काम करता है, इन सब के बारे में जानकारी हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसमें पढ़ने को हमको मिलेगा। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उद्देश्य के हमको इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या सीखने वाले हैं। टू फैमिलियर विथ वर्किंग ऑफ ITI, एक ITI कैसे काम करता है उसके बारे में। आइडेंटिफाई द स्टाफ स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ITI कॉलेज में कितने और कैसे स्टाफ होते हैं जो उसमें काम करते हैं उनके बारे में। आइडेंटिफाई द अवेलेबल ट्रेड इन द इंस्टीट्यूट एंड देयर फंक्शन, और जो ITI इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कौन से कोर्स चलते हैं और उनका कार्य। ब्रीफ अबाउट द स्टोर प्रोसीजर, और ITI में जो स्टोर होता है वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये ITI कैसे वर्क करता है, कौन इसके पीछे होता है, क्या संस्थाएं इसमें काम करती हैं, तो ये उसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में है। आगे जो भी हमारा वीडियो होगा, जो भी हमारा चैप्टर होगा, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारे चैप्टर में है, हम तो चैप्टर वाइज पूरे का पूरा देखेंगे, इसलिए आज थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करके इसको देख लीजिए, बाकी कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से। तो देखते हैं, द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थ्रू आउट इंडिया फॉलो द सेम सिलेबस पैटर्न। दोस्तों जो भी इंडिया में ITI हैं वो सभी सेम ही सिलेबस को पढ़ाते हैं अपने कॉलेजों में, गिवन बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि NCVT द्वारा कॉलेजों को उपलब्ध कराई जाती है। इन इंडिया देयर आर अबाउट 13,350 गवर्नमेंट ITIs एंड प्राइवेट ITIs बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों पूरे इंडिया में 13,350 गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI कॉलेज जो गवर्नमेंट बेस पर हैं
हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2016 टू 2017, जो कि MSDE के 2016-17 रिपोर्ट के अनुसार हैं कि इंडिया में 13,350 ITI और प्राइवेट कॉलेज हैं। द गवर्नमेंट आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ईच स्टेट वर्क अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट, किसी भी राज्य के जितने भी गवर्नमेंट ITI कॉलेज हैं वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। एंड ट्रेनिंग विच इज अ डिपार्टमेंट अंडर द लेबर मिनिस्ट्री इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। और बहुत सारे राज्य में ये ITI जो है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों इधर देख लेते हैं क्या है। द हेड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज द प्रिंसिपल। ITI में हेड कौन होता है दोस्तों? वहाँ का प्रिंसिपल, अंडर होम देयर इज वन वाइस प्रिंसिपल, और उसके अंतर्गत उसके नीचे एक वाइस प्रिंसिपल होता है। ITI में क्या होता है दोस्तों? एक पहला जो अधिकारी होता है वो प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे एक वाइस प्रिंसिपल होता है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, और जितने भी ITI में कोर्सेज चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड वहाँ पे इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक का ग्रुप होता है। ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं जो प्रैक्टिकल कराते हैं, एंड नंबर ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, और कई सारे वोकेशनल अनुदेशक होते हैं, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर और असिस्टेंट जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं उनके असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर भी होते हैं, एंड जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर एंड जूनियर और जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर्स भी होते हैं, एंड सो ऑन एज सोन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ ITI। ये जो चार्ट दिया गया है और भी इसमें जितने ये देखिए जो भी दिए गए हैं इसके अनुसार बता रहा है कि और भी स्टाफ उसमें होते हैं। दोस्तों आप लोग इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ाए रखिए, ये बड़ा हो रहा है और आपको बोरिंग लग रहा होगा, पर ये चीज़ें आपको जानना चाहिए, इसके लिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा बनाए रखिए कि ITI में कितने स्टाफ होते हैं, क्या कैसे कार्य करता है ITI, इसके बारे में आप लोग कोई नहीं बताता, फिर भी आप लोग को जानना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इन एवरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देयर इज अ स्टोर। हर इन ITI कॉलेज में एक स्टोर होता है, एंड इन द चार्ज ऑफ स्टोर इज स्टोर कीपर। और उस स्टोर का चार्ज जो है एक स्टोर कीपर होता है फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ टूल, जो कि स्टोर कीपर क्या करता है, स्टोर में जो भी टूल्स और इक्विपमेंट होते हैं उसको बाहर से आता है उसको देखता है, और किसी को देता है बाहर तो उसको देखभाल करता है स्टोर कीपर। द इंस्ट्रक्टर विल इंडेंट द ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड रिसीविंग फ्रॉम स्टोर। दो जो इंस्ट्रक्टर होता है वह इक्विपमेंट को स्टोर से रिसीव करता है। द इंस्ट्रक्टर विल इशू द ट्रेनिंग इक्विपमेंट टू द ट्रेनीज अकॉर्डिंग टू द ग्रेड एक्सरसाइज एज पर सिलेबस। और जो इंस्ट्रक्टर होता है वह प्रैक्टिकल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रेनीज को इक्विपमेंट उपलब्ध कराता है, जिससे ट्रेनीज हैं वो अपना प्रैक्टिकल का कार्य टूल की सहायता से कर सकें। तो चलिए दोस्तों ये चार्ट अब देख लेते हैं, जो ये चार्ट दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ ITI। एक ITI जो कॉलेज होता है उसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये चार्ट है, देख लीजिए। पहला देखिए, प्रिंसिपल जिसे सुपरिटेंडेंट भी कहते हैं, वो सबसे पहले कौन सा अधिकारी होता है? प्रिंसिपल होता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होता है, जो भी ITI पास कर ITI से जो भी लड़के पास आउट कर जाते हैं तो उनको प्लेसमेंट कराता है कंपनियों में, इसका काम हुआ है। वाइस प्रिंसिपल, ये
प्रिंसिपल के नीचे एक वाइस प्रिंसिपल होता है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर्स और इंस्ट्रक्टर्स के ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर और इंस्ट्रक्टर, ये दोनों एक ही चीज़ है। ग्रुप ग्रुप इंस्ट्रक्टर होता है, ग्रुप जितने भी ट्रेड होते हैं उनके इंस्ट्रक्टर। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो ऑफिस होता है उसमें का हेड होता है एक। ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, दोस्तों आईटीआई कॉलेज में हॉस्टल होता है तो उस हॉस्टल का भी एक हेड होता है। फिर स्टोर सुपरिटेंडेंट, जो स्टोर होता है आईटीआई का स्टोर रूम, उसका हेड होता है एक। फिर मेडिकल ऑफिसर, आईटीआई में एक डिस्पेंसरी या मेडिकल होता है जिसमें एक मेडिकल अधिकारी होगा, फिर कंपाउंडर होगा और ड्रेसर होगा। तो ये चार पांच डिपार्टमेंट हैं आईटीआई में, कौन सा, एक मेडिकल, स्टोर, हॉस्टल, ऑफिस और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर। तो ये लोग होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर होते हैं, उसके नीचे कौन सा होता है, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर होते हैं दोस्तों, जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं उसके नीचे। क्या उसके बाद क्या है इसमें, इंस्ट्रक्टर फॉर एलाइड ट्रेड, जो भी ट्रेड है उनसे संबंधित इंस्ट्रक्टर, ड्राइंग इंस्ट्रक्टर, मेल राइट इंस्ट्रक्टर, मैथमेटिक इंस्ट्रक्टर जो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाते हैं, AV इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप अटेंडेंट, और जो भी वर्कशॉप होता है आईटीआई में उसका एक अटेंडेंट होता है। ऑफिस ऑफिस जो भी होता है उसका एक हेड होता है, अकाउंटेंट होता है ऑफिस में, एक अकाउंटेंट होता है, क्लर्क स्टाफ होता है, और ग्रुप डी के पांच स्टाफ वहाँ पे होते हैं, और सपोर्टिंग स्टाफ और कुछ सहायक स्टाफ भी होते हैं। हॉस्टल में क्या होता है, एक हॉस्टल हेड होता है और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है। अगर आईटीआई में जो भी हॉस्टल होता है उसमें जिम अगर है, जिम होता है, तो वहाँ पे एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है जो वहाँ पे एक्सरसाइज कराता है, योगा कराता है, इन सब के बारे में बच्चों को, ट्रेनिंग्स को सिखाता है। हॉस्टल क्लर्क होता है और क्लास 5 के भी स्टाफ वहाँ पे आईटीआई में होते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर जो भी स्टोर डिपार्टमेंट है आईटीआई में, वहाँ पे एक स्टोर का हेड होता है, स्टोर कीपर होता है, असिस्टेंट स्टोर कीपर होता है, स्टोर अटेंडेंट और स्टोर अटेंडेंट, तो ये चार लोग वहाँ पे होते हैं। मेडिकल ऑफिसर में, मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल डिस्पेंसरी में क्या होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, कंपाउंडर होता है और एक ड्रेसर होता है, ये तीन लोग वहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों हमने ये आईटीआई कैसे वर्क करता है, कौन उसके पीछे है, कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आईटीआई को संचालित करती हैं, वो सब हमने यहाँ पे देखा दोस्तों। और कैसे आईटीआई वर्क करता है, कौन से उसमें डिपार्टमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने दोस्तों देखा। तो यहाँ पे ये वीडियो दोस्तों समाप्त करते हैं हम, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि क्या हम आपके लिए लेके आने वाले, कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसको डिस्कस देख लेते हैं दोस्तों। सेफ्टी के अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन ऑब्जर्व इन द इंडस्ट्री एंड शॉप फ्लोर। हम सुरक्षा तथा सुरक्षा सावधानियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा जो है दोस्तों अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।